गुरुवार को उत्तराखंड में ईगास का त्यौहार मनाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित घर पर ईगास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर साल अनिल बलूनी ईगास पर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और इस बार भी उन्होंने पहाड़ के इस लोक पर्व ईगास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग पहुंचे। अनिल बलूनी के घर पर हुए इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी यहां पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। इनके अलावा उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कई अन्य राजनेता भी पहुंचे। वहीं वर्ल्ड कप में भारत के लिए शानदार खेल दिखाने वाले मोहम्मद शमी भी पहुंचे। चिदानंद मुनि, आचार्य बालकृष्ण भी ईगास के कार्यक्रम में अनिल बलूनी के घर पहुंचे, जबकि गीतकार और लेखक प्रसून जोशी और जुबिन नौटियाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अनिल बलूनी ने सभी को ईगास बग्वाल की बधाई दी और दीपावली के 11 दिन के बाद पहाड़ों पर ईगास का त्यौहार मनाया जाता है। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर इसे ईगास तो कई जगहों पर बूढ़ी दिवाली कहा जाता है और अनिल बलूनी ने ईगास को भव्य रूप से मनाने के लिए खूब कोशिश की। खुद भी ईगास को बड़े पैमाने पर वो मनाते हैं। आज ईगास है और ईगास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा है पर्वतीय संस्कृति, प्रकाश और उल्लास का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। हालांकि ईगास पर सीएम धामी का देहरादून में कार्यक्रम था, जिसे उत्तरकाशी हादसे की वजह से रद्द कर दिया गया। उत्तराखंड के लोक पर्व ईगास, बग्वाल और बूढ़ी दिवाली की आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और लोक पर्वों को संरक्षित करने के साथ संवर्धित करने के लिए भी संकल्पबद्ध है। लोक पर्वों को मनाने का उद्देश्य जहां अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण है, वहीं दूसरी ओर अपने आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे में बताकर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका हस्तांतरण भी है। मैं सभी प्रदेशवासियों से आह्वान भी करता हूँ कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए आगे आएँ और बढ़ चढ़ कर इस अनोखे पर्व का हिस्सा बनकर पूरे उत्साह के साथ इस लोक पर्व को मनाएं। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट के मामले में बड़ी खबर है। बिहार से उत्तराखंड पुलिस ने 3 लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। इससे पहले बुधवार को वारदात का मुख्य आरोपी अखिलेश उर्फ गांधी गिरफ्तार किया गया। अब उत्तराखंड पुलिस इन सभी को देहरादून लेकर आ रखी है। इन सभी को पहले हिरासत में लिया गया था और पूछताछ के बाद अब गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। ये आरोपी गैंग हवाला और फोन के जरिए गैंग के लिए पेमेंट लेता था। अब तक इस मामले में 7 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। पिथौरागढ़ में गुंजी से सटे नेपाल के जंगल 2 दिन से धधक रहे हैं। हालात ये हैं कि भयंकर आग की चपेट में अब तक कई हेक्टेयर जंगल इसकी चपेट में आ गए हैं। नेपाल की ओर से लगी आग के कारण भारतीय क्षेत्र में हर तरफ धुआं ही धुआं है। कौवा पहाड़ी में धधकी आग पर अगर को जल्द काबू पा लिया जाता तो स्थिति बेहतर हो सकती थी और इस पर काबू नहीं पाया गया तो तय है कि कुछ ही दिनों में भारतीय जंगल भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 दिनों से नेपाल के जंगल जल रहे हैं, बावजूद इसके नेपाली प्रशासन कोई पहल करता नहीं दिख रहा है। गुंजी के इस इलाके में ही भारत, चीन और नेपाल का ट्रांजिक्शन है, तो ये जो ट्रांजिक्शन यहाँ पर बना हुआ है इसी के चलते ये समस्या आती है और यहाँ पर भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। देखिए, 2 दिन से गुंजी में आग लगी हुई है और जो नेपाल प्रशासन है अभी तक कुछ नहीं कर पा रही, बड़े अफसोस की बात है। और वहाँ पर हमारी कुलदेवी का भी निवास है और वहाँ पर हमारे ब्यास देव का मंदिर भी है और अगर वो आग नहीं रोका जाता तो मुझे लगता है कि वो बढ़ के हमारे और अन्य गुंजी के जो हमारे और वन संपदा है उसको भी बहुत नुकसान कर सकती है। हरिद्वार के जंगल से सटे इलाकों में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। गुरुवार को लक्सर रोड पर मिस्सरपुर में जंगली हाथियों का झुंड सड़क पार कर रहा था कि तभी एक साइकिल सवार भी उधर से गुजर रहा था। हाथी ने साइकिल सवार पर हमले की कोशिश की तो साइकिल सवार का बैलेंस बिगड़ गया और साइकिल से गिर गया।
बेहोश हो गया। इस पर वहां पर मौजूद लोगों ने शोर मचाकर हाथियों को वहां से भगाया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। पिथौरागढ़ में कांग्रेसी विधायक मयूख मेहर आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस आंदोलन के बाद आरोप प्रत्यारोप की सियासत चरम पर है। आलम यह है कि कांग्रेसी विधायक के आरोपों पर अब बीजेपी नेता जमकर पलटवार कर रहे हैं। आज चाहे जिला पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, 50-50% वहां पे कमीशन लिया जा रहा है। क्या जिलाधिकारी के अंडर चलने वाली दोनों संस्थाएं पे उनकी नजर नहीं है? कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने ये आरोप भले ही कुछ दिन पहले लगाए हों, लेकिन अब इन पर सियासी घमासान तेज हो गया है। असल में पिथौरागढ़ नगर पालिका और जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी काबिज है। इन दोनों पदों में काबिज बीजेपी नेताओं पर विधायक ने कमीशन खोरी का आरोप जड़ा था। विधायक की माने तो इन दोनों संस्थाओं में विकास कार्यों में कमीशन 50% के पार पहुंचा है। विधायक के आरोप पर जिला पंचायत ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष खुलकर सामने आ गए। पालिका अध्यक्ष ने विधायक को सबूत पेश करने की चुनौती दे डाली। नगर पालिका ने जब से मैं नगर पालिका में आया, 1 रुपया अगर कमीशन लिया, और या वो सिद्ध करता है कि नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ इस तरह की कमीशन खोरी चल रही है, तो मैं निश्चित तौर पर अगर वो साबित कर दे तो मैं राजनीति से छोड़ दूं। पालिका अध्यक्ष की माने तो विधायक मयूख मेहर की नीति से 2 करोड़ से ज्यादा के काम पालिका कर रही है। बावजूद इसके बिना सिर पैर के आरोप लगाने से विधायक जी बाज नहीं आ रहे। वहीं कांग्रेसी विधायक पर डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल भी हमलावर हैं। चुफाल का कहना है कि जो विधायक कांग्रेसी कार्यकाल में डीडीहाट में विकास कार्यों की गंगा बहाने का दावा कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अपनी ही सरकार में वो नैनी सैनी एयरपोर्ट से जहाज नहीं उड़ा पाए। अभूतपूर्व काम हुआ करता, अभूतपूर्व का तो होता है न भूत न भविष्य, लेकिन न भूत भविष्य काम कर रहे थे तो उसमें आपने याद क्यों नहीं आई दीदी आपकी नैनी सैनी हवाई पट्टी की? सरकार आपकी थी, आप सब कुछ काम कर सकते थे, जो चाहो उसमें तो आप सब कुछ थे, लेकिन आपको याद नहीं आई। विधायक मयूख मेहर ने हवाई सेवा शुरू करने के मुद्दे पर 12 दिनों तक आंदोलन चलाया था। वो आंदोलन तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद खत्म हो गया, लेकिन इससे शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेति की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नैनीताल के हली गांव में संजय बिष्ट भी आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, इसमें नैनीताल का लाल भी शहीद हो गया। शहादत की खबर सुनते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों और रिश्तेदारों का उनके घर पर तांता लग गया। हर कोई परिवार का हौसला बढ़ाने पहुंचा। संजय बिष्ट के भाई ने बताया कि संजय साल 2012 में आर्मी में भर्ती हुआ था। मंगलवार को रात में ही परिवार से फोन पर बात हुई। 15 दिन पहले से ही घर से संजय वापस गया था। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।